The Sharak of Balochistan, Bolan Beer. Assalamualaikum, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इस्लाम। अभी हम लोग जा रहे हैं डाडर की तरफ, हमारे साथ अजहर भाई हैं। अभी आपको अच्छे अच्छे व्यूज भी दिखाएंगे और तारीखी जगह भी दिखाएंगे डाडर के, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो फाइनली हम लोग किसके किले पे पहुंच गए अजहर भाई? भाई हम लोग खान ऑफ कलात के किले पे पहुंच गए, और ये डाडर में भी तारीखी है भाई। और ये तकरीबन अजहर, बकौल अजहर भाई कह रहे हैं कि भाई गर्मियों में खान ऑफ कलात की तरफ होते थे, और जब सर्दियां आती थी वो यहाँ पर आते थे, उनका रेस्ट हाउस है। अभी आपको दिखाते चलते हैं। तो जनाब ये है खान ऑफ कलात की रिहाइश का, जो कि जब वो कलात की जब रियासत कायम थी तो यहाँ पे वो जो है, जब वहाँ पे सर्दियाँ होती थी तो वो कुछ महीने हुकूमत के यहाँ करने आते थे। ये पुरानी बिल्डिंग है जो अभी तक मौजूद है। थोड़ी सी इसकी हालत ख़राब हो गई, लेकिन अपनी मौजूदा हालत में भी बेहतर है। ये खान ऑफ कलात का किला जो डाडर में, और ये साथ ही कब्रिस्तान है इसके। अब देख सकते हैं खान ऑफ कलात का किला, इस वक्त हम लोग वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि इतनी अच्छी खासी हम लोग को हिस्ट्री नहीं पता है। हम लोगों ने भी सुनी है अपने बड़ों से कि भाई ये खान ऑफ कलात का किला था, जब गर्मियाँ एंड होकर सर्दियाँ आते थे तो कुछ महीनों के लिए तो यहाँ पर इस किले में भी रिहाइश किया करते थे। अगर इसकी अभी हालत तो बहुत ही ख़राब है, मगर फिर भी आपको दिखा दें ये तारीखी किला हमारे बलूचिस्तान का, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं जनाब, ढाडर शहर जो के एक तारीखी शहर है, और आप इसको देख सकते हैं कि कुदरती तौर पर किस तरह ये ऊपर की साइड पे बना हुआ है। और ये जो है स्टेडियम है इसके साथ, और वो डाडर का जो है तारीखी शहर, और डाडर का नाम जो है 10 दरवाज़ों के ऊपर रखा हुआ है। दादर जो बलोची अल्फाज में दरवाज़ों को ही बोलते हैं, और इसका नाम इस वजह से डाडर रखा गया, जो कि बिगड़ गया था दादर। हाँ, अभी डाडर बन गया। भाई फाइनली हम लोग अभी अल सऊदिया होटल डाडर पहुंच गए हैं। अभी हम लोग चाय वगैरह का ऑर्डर किया है, रोटी वगैरह नहीं, केक तो है ना, चाय और केक लेना है। तो अभी चाय और केक का ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया है। अभी अभी नाश्ता आ गया यार, आप की नहीं खा रहे अभी, दिल बाग बाग हो गया भाई। ये अजहर भाई के लिए चाय और केक आ गए हैं, अजहर भाई अभी खाएंगे, आप देख सकते हैं अभी ऑनलाइन करेंगे तो हम खाएंगे चाय वगैरह पी लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं बोलान वियर की तरफ। आप कैसे अजहर भाई, चलें? बिल्कुल भाई चलें। तो अभी चल रहे हैं हम लोग बोलान वियर की तरफ। Thank you.
फाइनली हम लोग बोलान वियर पहुंच गए हैं, जिसे बलूचिस्तान का शारक भी कहते हैं। कैसे अज़र भाई? बिल्कुल भाई, भाई बोलान बलूचिस्तान का शारक भी है। ब्यूटी ऑफ बलूचिस्तान, नो यू आर सीइंग द ब्यूटी ऑफ बलूचिस्तान। अज़र भाई थोड़ा yes, बॉस को दिखाएं भाई, एक्सपोज करें हम लोग का बोलान, कितनी खूबसूरती है। अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरत तरीन इलाके हैं बलूचिस्तान के, माशाल्लाह एक एक से ऊपर है। आगे जाएंगे इंशाल्लाह, अगर अगली व्लॉग में हम लोग पीरगढ़ दिखाएंगे दोस्तों को। चलो नीचे चलते हैं, थोड़ा नहाते भी हैं, गर्मी भी है। आज कैसे भाई? ये यस बॉस, पानी कितना बड़ा है यार, यहाँ पे बहुत गहरा है पानी, पानी बहुत है। और ये एक डैम की तरह जो इरिगेशन का सिस्टम बना हुआ है। अच्छा। तो इधर से जो ये नीचे जगह जा रही है बेहतरीन है नहाने के लिए। तो इस साइड वाली? जी हाँ, ये इस साइड वाली, इस साइड वाली। और ये बहुत गहरा पानी है, गहरा पानी लग रहा है। और वैसे भी यहाँ पे जो है नहाना और मछली का शिकार करना मना है, और इस साइड पे बाकायदा बना हुआ है, जगह बनी हुई है बिल्कुल। हमारे फौजी साहब उतर रहे हैं जिन्होंने एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग की हुई है। नहीं भाई, हम लोग गरीब बंदे एसएसजी, मुझे दो मोबाइल नंबर, एसएसजी बैच नंबर 2। तो फाइनली दोस्तों, हमारे दोस्त अज़रबैजान नीचे आ गए। ये शहर का नाम भी है अज़रबैजान, राजी बन गए। ये कैपिटल है, कौन से सिटी का कैपिटल है अज़रबैजान? अज़रबैजान मुल्क है और उसका कैपिटल है बाकू। बाकू, मगर आपका नाम भी जो अज़रबैजान है। नहाने के लिए भाई, गर्मी भी है, अज़र भाई ने बोला है कि नहाते हैं, अज़र भाई जान ने, सॉरी द कंट्री ऑफ अज़रबैजान, अज़रबैजान सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया द कंट्री ऑफ, मैं पूरा सारा मुल्क हूँ भाई, मेरा ख्याल करो। कैपिटल, कैपिटल क्या? बाकू है। हाँ बाकू, बाकू मतलब आपके बेटे होंगे। ना भाई, अज़रबैजान इसका नाम है, तो इसके जो अज़रबैजान का कैपिटल है बाकू, तो वो इसका बेटा ही होगा। कैसे भाई? बाकू। तो भाई यार, ये जो है हमारा एक बेहतरीन स्पॉट है बोलान वियर का नहाने का। यहाँ पे पानी भी छोटा सा ही है और यहीं से ही पानी जा रहा है, जो कि पूरे बोलान को आगे ज़मीनें जो हैं डाडर और उसके मुलहका इलाकों में जो उनको सैराब करता है ये पानी जा कर आगे बढ़ाते हैं। बाबा कितना खूबसूरत और साफ सुथरा पानी, नेचुरल पानी है जो कि बोलान के पहाड़ों से आ रहा है। तो बाकी हम लोग ऐसे भी में नेचुरल नहीं है कि भाई, इधर तो कुछ भी नहीं है। नाड़ी गाज का पानी वो भी नेचुरल है, नाड़ी यहाँ पर आगे बढ़ा होता जा रहा है, आगे बढ़े है ना। हाँ। असल में वो भी इसको जो ओपन छोड़ा पहले, यहाँ पे ना वो चिकरी टाइप लगा होता था। अच्छा, जो पानी को रखता, अभी वो जो खोल दिया ना, और उधर से जो पूरा ब्रिज टाइप बना हुआ था ना, इसको बंद कर दिया, पानी के एक साइड से रोका ना, इस वजह से इधर आगे थोड़ा सा पानी बढ़ा। यार सरदार साहब को मिस कर रहे नहीं आप? ये यार सरदार साहब को मैं मिस कर रहा हूँ, और उसकी
और भी बहुत सी चीजों को मिस कर आएंगे आएंगे इंशाल्लाह कल तक आएंगे। ये हमारे भाई अजहर भाई जान हर पानी में डूबते हुए पानी में डूबते हुए भाई। तो भाई आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग बोलान बियर ठंडे ठंडे पानी के अंदर हैं भाई, और बहुत ही खूबसूरत मंजर भी है और पानी भी ठंडा है और ताज़ा पानी पहाड़ों से निकलता हुआ आप देख सकते हैं। आप भी आए यहाँ पर बोलान बियर, जिसे बलूचिस्तान का शारक भी कहते हैं हम लोग, द शारक ऑफ बलूचिस्तान बोलान बियर। कैसे भाई? बिल्कुल। हाँ तो दोस्तों फाइनली हमारा व्लॉग इख्तिताम पे पहुंचा। यार सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइब इतने नहीं आ रहे हैं, रिस्पांस नहीं आ रही है। जो दोस्त देख रहे हैं तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारे भाई को सपोर्ट करें बस। और हमारी कोशिश को जो है जब आप सब्सक्राइब करेंगे हमारी हौसला अफजाई करेंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी। वस्सलाम।